हेलो गाइस, आज हम आलू के पराठे बनाएंगे। देखिए, ऐसा हमने आलू ले लिया है और इसको पहले अच्छे से वॉश करेंगे, उसके बाद हम बॉईल करने के लिए रखेंगे। हेलो गाइस हमारा आलू धुल चुका है। हम इसको अब गैस पर रख देंगे। 15 से 20 मिनट लगेंगे बॉईल होने के लिए, उसके बाद हम मिलते हैं। हेलो गाइस, पराठे के लिए हमारा मसाला तैयार हो चुका है। ये है अजवाइन, ये है लहसुन, ये हरी मिर्च, बारीक कटे हुए प्याज। हाँ, हमारा कढ़ाई गर्म हो चुका है, इसमें तेल भी गर्म हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे सबसे पहले अजवाइन। हमने डाल दिया अजवाइन, अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी कटक में, और हम इसमें डालेंगे लहसुन। लहसुन को थोड़ा फ्राई होने के बाद इसमें डालेंगे हरी मिर्च। ये रहा हरी मिर्च, इसको भी थोड़ी डीप फ्राई कर लेंगे। दोस्तों, हमारी हरी मिर्च फ्राई हो चुकी है। अब इसमें हम डालेंगे प्याज, इसको भी हम धीमी आंच से डीप फ्राई कर लेंगे। इसको भूनने के लिए इसमें थोड़ी सी नमक भी डालेंगे हम। ये रहा नमक, इसे एक बार फिर चला लेंगे और इसको फ्राई होने देंगे। ये प्याज और लहसुन हमारा भून चुका है। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी गरम मसाला। इसको थोड़ी देर भूनने के बाद इसमें हम आलू डालेंगे, लाल मिर्च डालेंगे, आलू ऐड करेंगे। और इसमें नमक डालेंगे। ये आलू पराठे के लिए मसाला हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब इसको ठंडा होने के लिए हम छोड़ देंगे। दोस्तों, हम पराठे बनाएंगे। आटे की लोई ले लिए हैं, अब इसको हम स्टफिंग करेंगे। हमारा स्टफिंग हो रहा है। देखिए, हमारा लोई तैयार हो चुका। अब इसको हम बेलेंगे अच्छे से, चारों तरफ से एकदम बेल लेंगे। तब हमारा गर्म हो चुका है, हमने पराठे डाल दिए। अब इसको हम पलटेंगे। हमने दूसरी तरफ से पलट दिया। अब हम इस पर घी लगाएंगे। देसी घी के पराठे बहुत अच्छे लगते हैं, उसको बहुत टेस्ट आता है। हमारा पराठा एक तरफ से सिक चुका है, दूसरे तरफ से सिक रहा है। इसको गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे, नहीं तलेंगे। पराठा देखिए हमारा रेडी हो चुका है, अब प्लेटिंग भी हो चुका है। ये है पराठा, ये है टमाटर चटनी, ये है ग्रीन चटनी। इसको खाइए और बताइए कैसा लगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। फिर बनाएगी नहीं वो।